दोस्तों, ये एक प्रोडक्ट है इन्फिनिटी हरमान की तरफ से आता है, जो कि वायरलेस ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये प्रोडक्ट आया हुआ है, मैंने इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, क्या हमें ये जो प्राइस 1099 प्राइस रेंज में आता है, और मुझे यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी देखने को मिलता है जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो चलिए पहले इसका एक डब्बे का रिव्यू कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, अनबॉक्सिंग करने से पहले डब्बे का रिव्यू करते हैं, तो हम डब्बे का रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर ग्लाइड 120 जो है इसका नाम है, और यहाँ पे वायरलेस डीप वॉस डुअल इक्वलाइजर सॉल्यूशन ऑप्शन दे रखा है। ये कुछ बैटरी, माइक्रोफोन और ये डिटेल सब शो कर रहा है। पैकेट की बैक साइड में अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि अप टू 7 आवर ऑडियो प्लेबैक, मैग्नेटिक केबल मैनेजमेंट, और यहाँ पे IPX5 स्प्लैश प्रूफ, और साथ में 3 बटन्स रिमूव, और साथ में कंफर्ट फिट। तो यहाँ पर इसको हम ओपन करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसको देखेंगे कि कैसा चीज है, और आप लोगों के लिए जो प्राइस है, प्राइस के अंदर ये प्रोडक्ट कैसा आपको सही लग रहा है। यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। ऊपर से डब्बा जो है छोटा टाइप का डब्बा था, यहाँ पर छोटा सा मैं इनको सॉरी ऐसे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐसे रख देता हूँ, और दिखने में काफी बढ़िया है। हमें इसके अंदर एक अलग से देखने को मिल जाता है, जो कि इसको चार्ज करने के लिए एक USB टाइप का पोर्ट और सपोर्ट दे रखा है, और साथ ही में एक बुक देखने को मिल जाता है। आप इस सब आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हो, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्या करना है, प्रोडक्ट के डिटेल्स आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। आपको जरूर इसको एक बार जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, और यहाँ पर वर्ड्स टिप्स जो दे रखा है, दो टाइप का, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का जो टिप दे रखा है ईयरबड टिप्स, वो में भी काफी ठीक है। बहुत सारे ईयरफोन हमें इसको देखने को मिल जाता है, तो मैं पे यहाँ पे इसको यहाँ रख देते हैं। साथ ही साथ एक बार देख लेते हैं इसको उठा के। ये जो है हमें माइक्रो यूएसबी का तरफ एक देखने को मिल जाता है, और वायर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, क्योंकि अभी जो टाइम है ये जो है सर्दी का टाइम है, तो इस मौसम में आपको थोड़ा सा हार्डनेस लगेगा, बट ये जो वायर है मैं सच बता रहा हूँ, वायर काफ़ी सॉफ्ट ही है। आप बड़े आसानी से आप गले में लटका के यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर इसको आप अपने इस साइड में इसको हटा देता हूँ, और दिखने में काफ़ी बढ़िया है, और दोनों भी मैग्नेट थोड़ा वर्क कर लेता है। देखो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है, ब्लैक येलो और साथ में सिल्वर, ये काफ़ी बढ़िया रहता है, और साथ में ये थोड़ा सा ग्रे टाइप का देखने को मिलता है हमें यहाँ पर इसका जो सेटअप है। ठीक है, कुल मिला के काफ़ी बढ़िया, और बिल्ड क्वालिटी में मुझे ठीक लगा, वायर वगैरह सब कुछ बढ़िया परफेक्ट बैठ रहा है। और यहाँ पर मैं देखूंगा जो बटन दे रखा है 3 टाइप का, एक तो यहाँ पर पावर बटन है, साथ में वॉल्यूम प्लस डाउन बटन है, यहाँ पर आप कॉलिंग वगैरह भी रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम प्लस बटन और माइनस बटन है, और यहाँ पे पावर बटन आपके सामने देखने को मिल जाता है, और ये काफी ठीक ठाक लग रहा है मुझे, और मैट फिनिश के कारण ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा गया है, तो मे भी ये ठीक रहता है। जो भी ब्रांड का जो प्रोडक्शन, मानी ब्रांड का एडवर्टाइज तो होना जरूरी है, बाकी ये ठीक लग रहा है मुझे। और यहाँ पर एक छोटा सा आपको डस्ट प्रूफ दे रखा है, जैसे आप चार्जिंग पॉइंट जो यहाँ पे सेट करोगे, यहाँ पर इसको डस्ट प्रूफ के लिए इसको आप यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो। बात करें इन वायर जो है काफी ठीक है, और मैं कहूंगा नहीं कि ज्यादा मोटा है, लेकिन जितना है काफी है, ये काफी बढ़िया डिसेंट लग रहा है, क्योंकि इसका जो वायर है मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, जो कि आप गले में लगाओ तो ऐसा नहीं लगा है कोई अलग से कुछ चीज लगा हुआ है। मे भी सबसे छोटा है और पतला भी है आप, और सॉफ्टीनेस ज्यादा है, आप इसको बढ़िया से मोड़ मार के जेब में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ईयरफोन होता है जो कि वायरलेस ईयरफोन, उसको गले में डालना ही डालना है, अलग से जेब वगैरह में आने में दिक्कत होता है, बट यहाँ पर काफी सॉफ्टीनेस है, काफी बढ़िया है, ये एकदम से मुझे ठीक लगा। बाकी आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, और कनेक्टिविटी के ऊपर बात करूं तो एक छोटा सा मैं कनेक्टिविटी करके दिखा देता हूं। मैं अब ले आया मेरे माइक्रोमैक्स इन नोट वन फोन को, और इसके थ्रू मैं कनेक्ट करके बताऊंगा, देखते हैं कितना जल्दी हो जाता है। यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है, तो हम इंटर कर जाते हैं, और यहाँ पर इसको पावर ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हमें पेयरिंग आ चुका है, तो अलाउ पेयर, तो यहाँ पर कनेक्टिंग हो गया है। यहाँ पर 80% चार्जिंग है,
और हमें जो पहले फर्स्ट दफा इसको खोलना है और फिर बाद में इसको कनेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पे सर्चिंग करना है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे फोन कॉल, मीडिया ऑडियो कनेक्ट, कॉन्टैक्ट शेयरिंग, ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह चला के देख लेते हैं कैसे। A few moments later. दोस्तों कुल मिलाकर पैसे के हिसाब से इसके जो प्रोडक्ट का साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया। बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हो कैसा चीज क्या है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अगर आप परचेस करना चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। बस ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।